बच्चों, कल हमने पढ़ लिया था, पढ़ना शुरू कर लिए थे एक्चुअली, हर्से चेज का एक्सपेरिमेंट, हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देख लिया था कि उन्होंने एक बार इस बैक्टीरिया को, या फिर से रिकैप कर देते हैं, S35 और P32 मटेरियल लिया। S35 स्टार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव। P32 लिया, ये P32 भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया ले लिया इन्होंने। अब बच्चों, इस बैक्टीरिया का क्या करना था इनको, नहीं एक्चुअली क्या है ये मटेरियल, सल्फर 35 और P32 को पेट्री प्लेट में डाल दिया, दो अलग अलग पेट्री प्लेट्स के अंदर डाल दिया। बच्चों, इस दो अलग अलग पेट्री प्लेट में डाल करके न्यूट्रिशन मीडियम में इन्होंने आटे की तरह से सब मिक्स कर दिया, फिर इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया, जिस बैक्टीरिया में, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिस बैक्टीरिया में S35 वाला प्रोडक्ट गया, ठीक है, वो ऐसा दिख रहा था, जिसमें ऐसा गया P32 ऐसा दिख रहा था। एक्चुअली मैं यह बताना चाह रहा हूं कि P32 फास्फोरस डीएनए के अंदर चला जाता है और एस सल्फर को प्रोटीन कोड बनाने में यूज किया जाता है, सल्फर को प्रोटीन कोड बनाने में उपयोग में लाया जाता है। मैं साथ साथ लिखवाते चल रहा हूं, बच्चों लिखना शुरू करिए, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। लिखिए बच्चों, हर्से एवं चेज ने ई कोलाई बैक्टीरिया को दो पेट्री प्लेट पर ग्रो किया, पेट्री दो पेट्री प्लेट पर ग्रो किया, हर्से एवं चेज ने। इसमें कहीं और कुछ लिखवाए तो नहीं थे ना, हर्से चेज के एक्सपेरिमेंट में कुछ लिखवाए तो नहीं थे ना बच्चों, आप सबको मेरी आवाज मिल रही है ना, क्या लिखवा दिए थे बेटा, अच्छा नहीं लिखवाए थे ना, था तो लिख लीजिए। हर्से एवं चेज ने ईकोलाई बैक्टीरिया को दो पेट्री प्लेट पर अलग अलग ग्रो किया। दोनों पेट्री प्लेट में से एक में S35 तथा एक में फास्फोरस 32 एलिमेंट या तत्व डाल रखा था, एलिमेंट या तत्व को डाल रखा था। अब क्या हुआ बच्चों, फिर उन्होंने क्या किया, अब जिस बैक्टीरिया में सल्फर 35 तत्व उगाया गया था, या वृद्धि कराया गया था, उस बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी उसके प्रोटीन कोट में होनी चाहिए थी,
उस बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव कहाँ होनी चाहिए, प्रोटीन कोट में होनी चाहिए थी। बेटा आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? ठीक, प्रोटीन कोट में होनी चाहिए थी। और जिसमें फास्फोरस 32 ग्रो कराया उसमें रेडियोएक्टिव कहाँ दिखनी चाहिए, उसमें रेडियोएक्टिव उसके डीएनए में दिखनी चाहिए। लिखिए, तथा जिस बैक्टीरिया में फास्फोरस 32 डाला, जिस बैक्टीरिया को फास्फोरस 32 वाली प्लेट में उगाया गया था, जिस बैक्टीरिया को फास्फोरस 32 वाली प्लेट में उगाया गया था उसके अंदर डीएनए में रेडियो एक्टिविटी मिलनी चाहिए थी। डीएनए में रेडियो एक्टिविटी मिलनी चाहिए थी। लिख लिया बच्चों? लिख लीजिएगा तो हमें बता दीजिएगा। मिलनी चाहिए थी। अब हुआ क्या, आगे चलें? आगे लिखिए, इनका अध्ययन करने के लिए, मिला है कि नहीं मिला है, इसका अध्ययन करने के लिए हर्से एवं चेज ने बैक्टीरियो जीवाणुभोजी के द्वारा इसका अध्ययन करने के लिए हर्से एवं चेज ने जीवाणुभोजी के द्वारा इन दोनों प्लेट्स को संक्रमित करा दिया। जीवाणुभोजी के द्वारा इन दोनों प्लेट्स को संक्रमित करा दिया, ठीक है, जीवाणुभोजी के द्वारा संक्रमित करा दिया। संक्रमण के बाद जब जीवाणुभोजी अपनी बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाकर जीवाणुओं को फाड़ते हैं, जब जीवाणुओं को फाड़कर पृथक हो जाते हैं, लिख लिया, बच्चों बड़ा चैप्टर है, थोड़ा जल्दी लिख लो। पृथक हो जाते हैं, लिख लिया, लाली, श्रद्धा, मधुर, और कौन जुड़ा हुआ है भाई? प्रिया, लिख लिया बेटा? चलो नेक्स्ट आगे लिखो। पृथक हो जाते हैं तथा अब इन जीवाणु भोजियों को, जैसे अब इस पे जो आया, मैंने फिगर बनवाया हुआ है, सबने फिगर तो बना लिया है। यहां पर क्या था, एक जीवाणु भोजी आया, यहां पर भी जीवाणु भोजी गया था, ठीक है, यहां पर भी जीवाणु भोजी गया, इन दोनों जगह पे क्या किया, जीवाणु भोजी चला गया अलग अलग प्लेट पे, यहां पे भी डाल दिया था और इस प्लेट पे भी डाल दिया था जीवाणु भोजी को। अब क्या किया, दोनों को फिर से अलग अलग जगह पे भेजा। लिखो आगे, अब दोनों प्लेट पर उगने वाले या दोनों प्लेट पर पाए जाने वाले, ऐसे लिखो, दोनों प्लेट पर पाए जाने वाले जीवाणु भोजियों को, दोनों प्लेट पर पाए जाने वाले जीवाणु भोजियों को पुनः सामान्य ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर डाला गया, अलग अलग डाला गया।
पुनः सामान्य ईकोलाई बैक्टीरिया पर अलग अलग डाला गया। फिगर से रिलेट करते जाइएगा सब लोग, फिगर पहले बता चुके हैं पिछली क्लास में, फिगर बना था ना, दो अलग अलग थे, फिर उसके बाद सामान्य में भी दो अलग अलग प्लेट बनाई, अलग अलग प्लेट बनाई, देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अलग अलग प्लेट पर डाला गया और उनको कई पीढ़ियों तक वृद्धि कराई गई, उनकी कई पीढ़ियों तक वृद्धि करा के अध्ययन किया गया, कई पीढ़ियों तक वृद्धि करा के अध्ययन किया गया, इतना लिखो बस, कई पीढ़ियों तक वृद्धि कराकर अध्ययन किया गया। इस पूरे प्रयोग में बच्चों हर्षे चेज ने तीन ऑब्जर्वेशन प्राप्त की, वही मुख्य भी हैं। आप लोग लिख लिए, अध्ययन कराया गया, कर लिया, लिख लिया आपने, क्या लाइन थी लास्ट लाइन भूली, लास्ट में क्या लाइन बोली थी मैंने, हाँ, कई पीढ़ियों तक हुआ करके अध्ययन किया गया। अब हर्षे एवं चेज ने क्या किया, जो तीन ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए, लिखिए हेडिंग डाली, उसी में छोटी सी हेडिंग डाली, हर्षे एवं चेज के द्वारा अध्ययन में प्राप्त किए गए, हर्षे एवं चेज के द्वारा अध्ययन में प्राप्त किए गए प्रमुख बिंदु, हर्षे एवं चेज के द्वारा अध्ययन में प्राप्त किए गए प्रमुख बिंदु। बच्चों उसमें पहला बिंदु था कि जो जीवाणुभोजी S32 से संक्रमित था, जो जीवाणुभोजी S32 से संक्रमित था, जो जीवाणुभोजी या सीधे जीवाणु ले, जो जीवाणु S32 से या जिस जीवाणु में, ऐसे लिखे, जिस जीवाणु में S32 पाया जाता था, S32 पाया जा रहा था, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, P35 है, S32 है बेटा, ध्यान देना, कहीं मिस्टेक हो गई लग रहा है, P35 और S32, S32 सल्फर का होता है 16, सल्फर का 16, तो वो 32 हो जाएगा, S32 लिखा है ना हर जगह, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई थी, बोलो, P35, S32 हर जगह यही लिखा गया है ना, क्या लिखा गया था, क्या क्या सही लिखा है, सल्फर 35 और फास्फोरस 32, यही है ना, सही लिखा हुआ है, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिस जीवाणु में S35 पाया गया, जब उसका अध्ययन किया गया, तो उसके डीएनए से अब चूंकि सल्फर क्या है, प्रोटीन कोट में ही रह जाता है, अंदर तो जा नहीं पाता, तो उसके डीएनए में क्या पाया जाएगा, रेडियोधर्मिता पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, उसके डीएनए से रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई, रेडियोधर्मिता का मतलब रेडियो एक्टिविटी, धर्मिता ठीक है, उसके डीएनए से रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई, समझ में आ रही बात, फिर पाई कहां गई, S35 से अगर है आप, समझ से बैक्टीरिया इंफेक्टेड था,
तो बच्चों उसके जो कवरिंग है, उसकी जीवाणु की जो कवरिंग है, जो कैप्सूल है, उसमें रेडियो धर्मिता पाई गई। उसमें क्या पाई गई? रेडियो धर्मिता पाई गई। लेकिन उसके डीएनए में रेडियो धर्मिता नहीं पाई गई। दूसरा पॉइंट, जो जीवाणु P32 से संक्रमित था, उसके डीएनए से रेडियोधर्मिता पाई गई। रेडियोधर्मिता की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों? रेडियो, यस, रेडियो एक्टिविटी। उसके डीएनए से रेडियो धर्मिता पाई गई। ठीक है, उसके डीएनए से रेडियो धर्मिता पाई गई। बच्चों इस पूरे एक्सपेरिमेंट से यही प्रूफ होता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। और प्रोटीन क्या है? जेनेटिक मटेरियल नहीं है। पेंटीमीटर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो हमारे अध्ययन क्या कर रहे थे? क्या डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है? अब आप लोग बता सकते हैं डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है या नहीं? क्यों मधुर, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं? लिख लीजिए। उपरोक्त प्रयोग से यह पता चलता है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ अथवा जेनेटिक मटेरियल है। लिख लिया बच्चों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए। बच्चों डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी कैपिटल से होगा, ऑक्सी का वो छोटा होगा, ऑक्सी राइबोज का एन बड़ा होगा और एसिड का ए बड़ा होगा। देखो जो चीजें यहां दी रहती हैं वो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है, ठीक है, इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। बच्चों डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। लेकिन डीएनए की खोज किसने की थी? कल मैंने आप लोगों को बताया था किसने किया था डीएनए की खोज, फ्रेडरिक माइसर ने। किसने किया था? फ्रेडरिक माइसर ने किया था। और किसमें किया था? पस की कोशिकाओं में, मवाद की कोशिकाओं में किया था। ठीक है,
अब आज हम देखेंगे कैसे डीएनए बनता है, डीएनए कैसे बनता है। ठीक, तो डीएनए कैसे, किन किन चीजों से मिलकर डीएनए बना हुआ है, किन किन चीजों से मिलकर के डीएनए बना हुआ है। बच्चों बेसिकली बेसिकली डीएनए डीऑक्सीराइबोज सुगर या न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। फास्फोरिक एसिड से मिलकर के बना होता है। क्लियर है सबको, दिखाई दे रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम प्रॉपर बना लेना ताकि भविष्य में कभी भूलेगा तो एकदम क्लियर हो जाएगी क्या क्या चल रहा था। बच्चों फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होगा H3PO4, H3PO4, ठीक है, H3PO4। एक यहां पे छोटा सा बना भी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, PO4 ना, दो दो चार एक पांच, ठीक है। फास्फेट जो है पांच बंद बना सकता है, पांच बंद बना लिए ऐसे, H3 ना, तो रुको 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 H3 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। H3PO4, यह है H3PO4 का स्ट्रक्चर, H3PO4 का स्ट्रक्चर, एक दो तीन दो पांच, पांच बंद बन गए और ये OH जुड़ गए, H3PO4। ये दिखाई दे रहा है ना सबको बेटा, दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है? बच्चों ये हमेशा याद रखना, इसका बाद में मैं उपयोग करूंगा, कैसे डीएनए को एक एक अणु को कैसे ले आ ले आके जोड़ा जाएगा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लो। इसी के आधार पे एटीपी का स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखेंगे, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कोशिका का सिक्का, कोशिका की ऊर्जा का सिक्का कहां बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, याद आ रहा है, पढ़ाया गया होगा 11th में, कोशिका की ऊर्जा का सिक्का माइटोकॉन्ड्रियम बनता है, उसका स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले ये देखिए, डीएनए, डीएनए दो भागों से मिलकर बना है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। अब बच्चों यह डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना होगा, नाइट्रोजन बेस तथा, यहां नीचे देखिए, अब इसको दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, ये दो चीजों से मिलकर बना होगा, नाइट्रोजन बेस तथा, एक नाइट्रोजन बेस होगा, दूसरा होगा राइबोस सुगर, और डीएनए के केस में राइबोस सुगर होगा डीऑक्सीराइबोस सुगर, ये होगा डीऑक्सीराइबोस सुगर। बच्चों ऐसे बना लेना होता है, OH, यहां से बच्चों ये यहां से एक निकल जाता है, ये ऑक्सीजन यहां पे जुड़ता है पहले, लेकिन अब नहीं रहता, डीएनए के केस में यहां से ऑक्सीजन निकल गया रहता है, केवल एच बचा रहता है, और अगर आरएनए रहता तो क्या होता, राइबोस सुगर, तो यहां पे एक एच वो पाया जाता, तो यहां से एक निकाल दिया जाता है, हटा दे रहे हैं। डीऑक्सी, नाम देखो, डीऑक्सी माने डी का मतलब नहीं है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन कहां से निकाल दी गई थी, ऑक्सीजन यहां से निकाल दिया, यहां से निकाल दिया गया, थ्री प्राइम जगह से तीसरे नंबर कार्बन से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है, पॉप आउट कर दिया गया है, तो ये, और यहां पर एच, यहां पर क्या बचेगा, एच, इसको कौन सा सुगर बोलना है बच्चा, हमारे साथ साथ बोल लो, बोलना सीखना बहुत जरूरी है। डीएनए दो चीजों से मिलकर बना होता है, बोलो, डीएनए दो चीजों से मिलकर बना होता है, बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड,
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ठीक, वेरी गुड। अब बच्चों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन बेस तथा डीऑक्सीराइबो सुगर। बोलो, राइबो सुगर। अब बच्चों यह डीऑक्सीराइबो सुगर से, बच्चों इस स्थान से 3 नंबर कार्बन से 1 ऑक्सीजन निकल जाती है, इसीलिए उसे डीऑक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डीऑक्सी बोलते हैं। राइबोस आरएनए केस में यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, आरएनए केस में वहां पर ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। अच्छा, नाइट्रोजन बेस क्या चीज है बेटा? नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं बच्चों, प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस लिखते जाइए। अब नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होंगे, प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस स्पष्ट दिख रहा है ना बच्चों? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करोगे ना? बच्चों स्पेलिंग मत करना गलत बच्चों, सही सब गलत हो जाएगा खेल, ठीक है। अब बच्चों प्यूरीन बेस जो है, देखो प्यूरीन बेस ना बढ़िया बेस है। प्यूरीन बेस में दो आते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। नाम सुना है एडिनिन ग्वानिन का? मधुर, नाम सुना है आपने? कुछ पूछें बताएंगे? अच्छा, किससे, जिसने नाम सुना हो बता, कुछ पूछूं बताएगा, किससे पूछूं? वेरी गुड, एडिनिन को ए से, ग्वानिन को जी से। पिरिमिडीन बेस दो प्रकार के होंगे, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन को सी से दर्शाते हैं, थायमिन को टी से दर्शाते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, लिख लिया सभी लोगों ने? बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके स्ट्रक्चर को जानना। जैसे एडिनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्वानिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थायमिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बच्चों पिरिमिडीन बेस वैसे 3 बेसेस से मिलकर बना होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यूरेसिल का नाम मैंने यहां नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है जानते हो? क्योंकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल कहां पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। तो आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? आरएनए में थायमिन नहीं पाया, थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है आरएनए में? यूरेसिल पाया जाता है, ठीक। तो अब हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या लिख लिया है आपने? वैसे तो पूरा ही कर लो, पूरा कर लिया, मिटा दें? एकदम क्लियर दिख रहा है ना? केवल दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है ना बेटा? नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं फिर से बता दूं। ठीक, कहीं भी ना समझ में आ बेटा, आस्क मी ट्वाइस थ्राइस,
वॉट एवर यू लाइक, जब जब नहीं समझ में मुझसे पूछो मैं बता दूंगा। हाँ लेकिन याद करते रहना बेटा, भूल जाओगे अगर छोड़ दिया तो भूत की तरह डराएगा ये। अब हम लोग एक एक एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन सबके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम प्यूरीन बेसिस का अध्ययन करेंगे, प्यूरीन बेसिस का अध्ययन करेंगे, प्यूरीन बेसिस का अध्ययन करेंगे। बच्चों प्यूरीन बेस में कौन कौन से थे? एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और एडिनिन और ग्वानिन। देखो बच्चों, सी एन फिर सी फिर एन फिर सी फिर सी फिर एन एन एन, ऐसे बना लीजिए फटाफट। ठीक है, बना गया। शुरू करें। देखो बच्चों बहुत मजेदार चीज, कैसे इसमें कार्बन नंबर काउंट करेंगे, कौन सा चीज किस नंबर पर है कैसे काउंट करेंगे। देखो यहां से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों ऐसे ऐसे? एक जो एक चेन है, एक रिंग है, इसमें क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मतलब 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1, नहीं 11 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और ये क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है। ये क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज। देख लिया, समझ में आ रहा है ये? अब जरा सेम चीज यहां पे बोलते जाओ, कौन से कहां से शुरू करूं, यहां से ही शुरू करूं ना? काउंटिंग कहां से शुरू करना है? बोलो ये क्या है? 1 2 और सेवन फिर एट फिर नाइन, ठीक बच्चों? प्यूरीन बेसिस दो रिंग से मिलकर बना होता है, प्यूरीन बेसिस दो रिंग से बनके बना होता है। जो इसमें दूसरी वाली रिंग है बच्चों, जो दूसरी रिंग है बच्चों, उसे बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं पूछ चुका है कि प्यूरीन बेसिस में जो दूसरी रिंग होती है वो कौन सी रिंग होती है। ऑप्शन में दिया रहेगा बेंजीन रिंग, फलाने रिंग, डिमकार रिंग,
और जो लास्ट में दिया रहेगा वो देगा इमिडाजोल रिंग, वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। क्या होगा एक्चुअल आंसर? इमिडाजोल रिंग। तो जो दूसरा पाया जाएगा बच्चों, ये कौन सी रिंग है? इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। ये कौन सी रिंग है बोलो मेरे साथ साथ, इमिडाजोल रिंग। जो दूसरी रिंग होती है उसे कौन सा रिंग बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। जो दूसरी रिंग है उसे बोलेंगे इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। अब सब में तो समान ही है, फिर कैसे कहेंगे कि ये एडिनिन है वो ग्वानिन है? कुछ तो फर्क होना चाहिए। बिल्कुल फर्क होगा बच्चों, 6 नंबर कार्बन पर एडिनिन में NH2 जुड़ा रहता है, 6 नंबर कार्बन पर एडिनिन में NH2 जुड़ा रहता है। देखो लाल से बना, यहां हरे से जोड़ रहा हूं, 6 नंबर कार्बन पर एडिनिन में NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है। बस अब इसको बैलेंस किया जाए, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों? कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? 4। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। ठीक है, हम इसी को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करने जा रहे हैं। देखो 1, 2, 3 बन चुका है बच्चों। अगर हम यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दें, किस पे? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दें, तो कार्बन का 4 और नाइट्रोजन का 3 कंप्लीट हो जाएगा। सही है? अच्छा, इन दोनों रिंगों को भाई, दो कमरों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में क्या करना होगा? एक मोटी दीवार बनानी पड़ेगी। हम इसलिए इसके बीच में एक दीवार बना दें, ये डबल बॉन्ड यहां जोड़ दें, तो इस कार्बन का भी 4 हो गया, इस कार्बन का भी 4 हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे अगर डबल बॉन्ड लगा दें, अगर हम यहां पर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 पूरा हो जाएगा, और इस कार्बन का, तो यहां पे एक H लगा देंगे, यहां पर एक H लगा देंगे। दिख रहा है ना बेटा? हाउ बच्चों, अगर हम यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दें तो इसका, इस नाइट्रोजन का 3 पूरा हो गया और इसका भी 3 पूरा हुआ, तो यहां पे एक H लगा देंगे, 4 पूरा हो गया। ठीक है, यहां पे एक लगा देंगे, 4 पूरा हो जाएगा। और फिर अब ये तो आप समझ गए ना कि दूसरी वाली रिंग को इमिडाजोल रिंग कहते हैं, जिसे हम हटा दे रहे हैं। एक यहां पर अगर H लगा दें तो यहां पर भी इसका भी नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 पूरी हो जाएगी, कंप्लीट है। दिस इज एडिनिन, दिस इज एडिनिन। इसको आप लोग क्या करेंगे, घर जा करके एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार घर पे खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब याद होगा। 6 नंबर कार्बन पे NH2 जुड़ गया, दैट्स इट। दो, एक इमिडाजोल रिंग, एक बेंजीन रिंग टाइप का जुड़ा हुआ है, और जो बेंजीन रिंग टाइप के 6वें नंबर कार्बन पे क्या जुड़ गया? NH2 ग्रुप जुड़ गया, NH2 ग्रुप जुड़ गया है। यहाँ पे क्या जुड़ गया है? NH2 ग्रुप जुड़ गया है। इसी NH2 ग्रुप के जुड़ने के कारण यह बन गया एडिनिन, यह बन गया एडिनिन। इसके दूसरे वाले रिंग को क्या बोलेंगे? इमिडाजोल रिंग। इसके दूसरे वाले रिंग को क्या बोलेंगे? इमिडाजोल रिंग। ठीक है, दूसरे वाले क्या बोलेंगे? अब बस ग्वानिन में बस एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, इस ग्वानिन में 2 चीजें जुड़ गई। क्या? जो यहां का NH2 था वो घूम करके 2 नंबर पर आ गया, यहां का NH2 घूम करके कहां आ गया? 2 नंबर पर, 2 नंबर पर NH2 जोड़ दिया गया। और जो 6 नंबर था, 6 नंबर खाली हुआ तो उसको ऑक्सीजन ने ले लिया, उसको ऑक्सीजन ने ले लिया। अब ध्यान दो, इस कार्बन के 4 वैलेंसी पूरी हो गई क्या? पूरी हो गई। 6 नंबर कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई कि नहीं हुई है? आओ, अच्छा, अगर हम लोग यहां पर बीच में ये डबल बॉन्ड खींच दें, यहां पर डबल बॉन्ड खींच दें, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, कार्बन की भी पूरी हो जाएगी, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं? अच्छा, 5 नंबर और 4 नंबर कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड तो खींचना ही पड़ता है,
क्योंकि मजबूत करना है उसको। तो खींच दिया तो इसकी भी चार पूरी हो गई, इसकी भी चार पूरी हो गई, इस कार्बन की भी, ऊपर की भी कार्बन की पूरी हो गई। अब यहां पे भी नहीं खींच सकते तो यहां पे एक हाइड्रोजन लटका देंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक, अब ऊपर चलते हैं, इसकी चार पूरी हो चुकी। यहां पे अगर हम यहां खींच दें तो इसका तीन पूरा हो गया, यहां पे एक हाइड्रोजन लटका देते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन लटका देते हैं, चार हो जाएगा। ठीक है, हो गया पूरा। ये है ग्वानिन और ये है एडिनिन, बना लीजिए स्ट्रक्चर। बना लिया तो मैं पिरिमिडिन बेसिस पे बात करूं आप लोगों से। वेरी गुड बच्चों, 27, 28, 29 और 30, 27, 28, 29 और 30, ये क्या चीज है? डेट है। क्या है ये? डेट है। इन दिनों चार दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा तो क्लासेस नहीं होंगी। ठीक, 31 तारीख की शाम से फिर से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कब कब नहीं रहूंगा मैं? 28 और 29। हाँ ठीक है, 30 को तो ऐसे भी संडे रहता है। ठीक है, 27, 28 और 29 को हमारी क्लासेस बंद रहेगी, 30 को भी संडे रहता है तो बंद ही रहती है, 31 तारीख को अब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आज भी पढ़ाई जारी रहेगी। आइए, प्यूरीन बेस के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पिरिमिडीन बेस। बच्चों पिरिमिडीन बेस कितने प्रकार के होंगे? कौन कौन से? वेरी गुड। लाली कितने प्रकार के होंगे? कौन कौन से? अच्छा प्रिया, प्यूरीन में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस आते हैं? प्रिया, प्रोटीन में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस आते हैं बेटा? भूल गई, एडिनिन और ग्वानिन आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या क्या कह रही हो? प्यूरीन, अच्छा वैसे मैं पूछ रहा था एडिनिन और ग्वानिन के कौन से बेस के प्रकार हैं। बच्चों हाँ, अब देखो बच्चों, एडिनिन और ग्वानिन में दो दो रिंग जुड़ी हुई थी। एडिनिन और ग्वानिन में क्या हुई थी? दो दो रिंग जुड़ी हुई थी। एडिनिन में क्या था? इमिडाजोल रिंग भी जुड़ी हुई थी। एडिनिन और ग्वानिन में एक दो रिंग जुड़ी हुई थी आपस में। एक रिंग जो है, जो सेकंड वाली रिंग थी, उसका नाम था इमिडाजोल रिंग। जब हम साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल को भी अगर ले लें तो इन तीनों में बच्चों केवल एक ही रिंग पाई जाती, केवल एक रिंग, जो फर्स्ट वाली रिंग है ना वही पाई जाएगी। आइए बनाते हैं। बना लीजिए। बच्चों थायमिन की स्पेलिंग THYMIN कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, इसके इसको कहां से काउंट करते हैं? इसको भी यहीं से काउंट करेंगे। इसके 6 नंबर पे बच्चों NH2 ग्रुप और 2 नंबर पे ऑक्सीजन ग्रुप को जोड़ दीजिएगा। 6 नंबर पर NH2 ग्रुप
दो नंबर पर ऑक्सीजन को जोड़ दीजिएगा। दो नंबर पर किसको जोड़ेंगे? ऑक्सीजन को, ठीक है। दो नंबर पर किसको जोड़ रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन को। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा, मेरी आवाज एकदम क्रिस्प, आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, तो देखो साइटोसिन में 6 नंबर कार्बन पे NH2, 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ दिया गया, ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ दिया गया है। अब बच्चों इसको बैलेंस करके देखते हैं, इसको बैलेंस करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक लगा दें डबल बॉन्ड 6 तथा 1 के बीच में लगा दें, तो क्या 4 पूरा हो जाएगी बैलेंसी इसकी? यस, पूरी हो गई। 4 इसकी हो गई, 3 इसकी हो गई, ये 4 पूरा हो चुका है पहले से ही। अगर हम लोग यहाँ पे एक H लटका दें तो भी, या यहाँ पे ऐसे कर दें, यहाँ पे ऐसे कर दें तो इसका पूरा हो जाएगा, इसका पूरा हो जाएगा, अपना दो दो लक्ष्य पूरा हो सकता है, ठीक है। देखो हम लोगों को ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा चीजें देखनी है, एक तीर से 2 निशान है और यहाँ पे एक H ग्रुप लटका दें तो 1, 2, 3 इसकी पूरी हो गई, 1, 2, 3 इसकी हो गई, तो यहाँ पे एक H ग्रुप, यहाँ पे एक H ग्रुप जोड़ दिए, हो गया ये, क्या हो गया ये? साइटोसिन बन गया। क्या बन गया ये? साइटोसिन या बन गया है, वेरी गुड, साइटोसिन या बन चुका है। अब इसी तरह से बेटा थायमिन में 3 ग्रुप जुड़ते हैं, थायमिन का नाम ही इसीलिए थायमिन पड़ा क्योंकि उसमें 3 ग्रुप जुड़ते हैं, 3 ग्रुप जुड़ते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो तो ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे NH2 की जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, बस इतना ही होना है। हम लोग बैलेंस कर लें, ये बैलेंस है, यहाँ पर अब नहीं जोड़ सकते इसलिए यहाँ पे H लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहले से ही कार्बन पे तो 4 हो चुके हैं बेटा, अब तो हमें मजबूरी में H लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा ताकि 3 हो जाए। अब हम लोग को 1, 2, 3 हो गया, अगर हम ऐसे खींच दें 1, 2, 3, 4 ये हो जाएंगे, 1, 2, 3 ये हो गया, तो यहाँ H लगा देंगे, यहाँ पर भी H लगा देंगे, अपना थायमिन तैयार है। तो थायमिन में क्या हो गया बच्चों? 3 ग्रुप जुड़ते हैं, ठीक है, थायमिन में 3 ग्रुप जुड़ते हैं। फिर से नंबरिंग कर लीजिए, कैसे याद करेंगे, इतना भूल नहीं जाओगे, 3, 4, 5 और 6। देखो बच्चों याद करने का एक तरीका है, इसका मैं लिखवा दे रहा हूं। कार्बन नंबर 6 पे, कार्बन नंबर 6 ठीक है पर NH2 ग्रुप जुड़ जाए, इसमें एडिनिन में कार्बन नंबर 6 पे ऐसे बगल में लिखते जाओ, कार्बन नंबर 6 पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ग्वानिन में कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? NH2। कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? NH2 ग्रुप, एरो करके लिख दो, सिंगल सिंगल एरो लगा दो, ऐसे लिख दोगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार लिखोगे दिमाग में घुस जाएगा। आइए साइटोसिन पे देखिए क्या हुआ, साइटोसिन पे कार्बन नंबर 6 पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? NH2। कार्बन नंबर, वेरी गुड, और कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसे घेरा बना दो। फिर थायमिन में 3 ग्रुप जुड़ते हैं, कार्बन नंबर 6 तथा कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? दोनों पर ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 6 तथा कार्बन नंबर 2 दोनों पे कॉमा लगा के लिखा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों पर अलग अलग जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। और फिर कार्बन नंबर 5 पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3, क्या जुड़ा, ठीक है, ऐसे बना लेना और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कांट टेल यू हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट, ओ माय गॉड, ठीक है ना मधुर? मधुर बेटा समझ में आ रहा है ना? मधुर ये इतना ही बार पूछा जा चुका है ना, बेसिस में क्या कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं मैं बता नहीं सकता। प्रिया, लाली, श्रद्धा सब सुन रहे हो ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब ये मान लो कि अगला टेस्ट होगा तो इसमें से सारे प्रश्न, मतलब ये तो मुझे चारों के चारों में पूछूंगा, अभी से पेपर आउट है, प्रश्न आएगा अगर टेस्ट ले रहा हूं तो ये जरूर पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। क्या बेटा, क्या क्वेश्चन सर? कंपटीशन के लिए भी है एमपीए? हाँ कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट, इसे लिख भी देता हूँ, रुको रुको, सही की याद दिलाया मुझे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लीजिएगा।
इम्पोर्टेंट, टी ए एन टी इम्पोर्टेंट, इसको शॉर्ट में लोग आई एम पी लिख देते हैं, इम्पोर आई एम पी ओ आर टी ए एन टी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे, हमने लिखा है ना कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस इससे मिलके बना होता है एस थ्री पी ओ फोर फॉस्फोरिक एसिड से, तो आइए देखते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना होता है, ठीक है। हेडिंग डाली डी ऑक्सी, अच्छा ऐसा करते हैं आज के लिए बस इतना ही, जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 31 तारीख को तब हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि अभी आधे में छोड़ना पड़ेगा तो समस्या हो जाएगी। अगली आज के लिए बस इतना ही, इतना याद रखेंगे आप लोग, हमारी नेक्स्ट क्लास कब होनी है, 31 तारीख को, लेकिन लेकिन एक टेस्ट भी होगा इस बीच में आपका, एक टेस्ट होगा 31 के बाद जो है, जब भी संडे आएगा तो उस संडे को आपका एक टेस्ट होगा, मुझे याद दिला दीजिएगा सैटरडे को कि हमारा टेस्ट है, मैं पेपर बनाऊंगा आप सबका, और आज तक जितना पढ़ाया हूं उन सबसे मुझे प्रश्न पूछने हैं, ठीक है। तैयार कर लेंगे आप लोग, चार दिन में नहीं हूं, उन चार दिनों में जितना पढ़ाएगा एक बार दोहरा लीजिएगा, हर रोज एक एक घंटा पढ़िएगा दोहरा लेंगे, ठीक, क्लियर है।